अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच गुरुवार को धरती पर वापस लौट आईं। उनके साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री लुका परमितानो और रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर स्क्वोत्सरेव भी वापस लौट आए हैं। कोच ने 328 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और मिशन को अंजाम दिया। अंतरिक्ष में 328 दिन के अपने प्रवास के दौरान कोच ने धरती के 5,248 चक्कर लगाते हुए 13.9 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की और 6 बार अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर चहलकदमी की। इस दौरान क्रिस्टीना ने खुले अंतरिक्ष में 42 घंटे 15 मिनट बिताए। दो वैज्ञानिकों को पहली बार सूर्य की स्पष्ट तस्वीरें खींचने में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हवाई के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डेनियल के इनोय टेलीस्कोप से मिली इस तस्वीर में सूर्य की सतह का ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर यानी दानेदार आकृति दिख रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर खाना आकार में फ्रांस जैसे देश जितना बड़ा है। टेलीस्कोप ने सूर्य के 30 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। आपको बता दें, सूर्य की पृथ्वी से दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। ये टेलीस्कोप नासा के पार्कर सोलर प्रोब के साथ काम करेगा जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स के वैज्ञानिकों ने थैलाटोसॉरस की एक नई प्रजाति की पहचान की है जो एक समुद्री सरीसृप है जो 20 करोड़ साल पहले समुद्र में रहते थे। वैज्ञानिकों को 2011 में दक्षिण पूर्व अलास्का में इसका जीवाश्म मिला था। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्टर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि थैलाटोसॉरस समुद्री सरीसृप थे जो दुनिया भर के भूमध्य रेखीय महासागरों में रहते थे। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब चावल के दाने से भी छोटी चिप पर थ्रू द वॉल इमेजिंग रडार विकसित किया है। ये रडार किसी भी दीवार के आर पार की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए काम आएगा और सुरक्षा बलों को आपात स्थिति से निपटने में मदद कर सकता है। इसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इस तरह की रडार तकनीक रक्षा क्षेत्र के अलावा कृषि, स्वास्थ्य और परिवहन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है।